मध्य प्रदेश 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब निर्वाचन आयोग के साथ जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। झाबुआ कलेक्टर तन्वी हुड्डा ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पहली बार वोट करने वाले युवाओं को लेकर जानकारी साझा की है, जिसमें 1 अक्टूबर तक जो युवा 18 वर्ष की आयु सीमा में आ रहे हैं, उन युवाओं को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा सर्वे किया जा रहा है, ताकि इस बार महाकुंभ में युवा अपने महत्वपूर्ण वोट कर सके। तो उसमें 1 अक्टूबर की तारीख को जो भी व्यक्ति हमारे यहाँ पे 18 वर्ष की आयु उत्तीर्ण कर लेंगे, तो वो अभी से ही उसके लिए हम लोग पुनरीक्षण कार्यक्रम भी चला रहे हैं और गेलोस के माध्यम से घर घर जाके डोर टू डोर सर्वे हो रहा है। और आप लोगों के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि जनता तक ये बात पहुँचे कि उनके यहाँ पर जो बच्चे हैं 18 साल की आयु उत्तीर्ण कर लेंगे 1 अक्टूबर को, तो उनका फॉर्म नया आज की तारीख में जमा करवा दें, ताकि उनका नाम हमारा जो नामावली है उसके अंदर आ जाए। डिजिटल कार्ड आ गया है, इसमें बारकोड है और इस पर चिप वगैरह है, इस पर ये डिजिटल बारकोड के माध्यम से ये इसमें प्रिंटिंग हुआ है। अब इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, इसमें कोई ऐसा डुप्लीकेट या कुछ भी निकाल नहीं सकता, इसमें कुछ भी संशोधन या कुछ भी इसमें वो होने की संभावना नहीं है इसमें। अच्छा, मार्केट में सर इस टाइप का अगर कोई पीवीसी कार्ड बनाता है तो उस पर कार्रवाई है, होती है। अभी वहाँ पेटलावत में पहले कोई ये जो होता था उस पर अरेस्ट भी हुआ था, शिकायत हुई थी उनको, खिला उनको जेल भी भेजा था। अच्छा, पोर्टल से सर इसको डाउनलोड किया जा सकता है क्या? ई ईपिक डाउनलोड किया जा सकता है, तो वो कार्ड मान उसमें जैसे आपने संशोधन करवाया या आपका नया कार्ड बना तो उसमें आपने अपना आधार कार्ड पंजीयन कराया, आपका मोबाइल नंबर पंजीयन कराया हो, तो इसकी प्रोसेस एक बार फर्स्ट फॉर्म नंबर 6 भरेंगे तो उसकी प्रोसेस 7 दिन की रहती है। जिस प्रकार अपना आधार कार्ड की प्रोसेस रहती है अपडेट होने की, तो 7 दिवस की प्रोसेस इसकी अपडेट होने की, आज आपने फॉर्म दिया तो 7 दिन के अंदर इसका प्रोसेस होगा अपडेट होने का।